कौन है WWE के 10 सबसे अमीर सुपरस्टार्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में बिल्कुल लेटेस्ट स्टैट्स के साथ, और मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कितना पैसा इनके पास, वो भी इंडियन रुपीस के अंदर। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया, और इस टाइप की वीडियोस हमने चैनल पर पहले भी बहुत बनाई हैं, लेकिन वो यूजुअली बेस्ड होती हैं WWE सुपरस्टार्स की सैलरीज के ऊपर, यानी कि करंटली कौन सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है WWE में, और वुमेन और मैन के ऊपर दोनों ही एक एक वीडियो हमने करी हुई है, तो आप उसको जाके चेकआउट करें, डिस्क्रिप्शन में जो है मैं आपको लिंक दे दूंगा। लेकिन आज की वीडियो गाइज होने वाली है नेटवर्थ के बारे में। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ नेटवर्थ होता क्या है। तो एक्चुअली में ये होता है कि आखिर इस समय पर कितना पैसा एक पर्टिकुलर इंसान के पास है, और उसमें गाइस उसके सारे एसेट्स होते हैं और कोई भी लायबिलिटी नहीं होती, यानी कि जो उसका पैसा है, जैसे कि प्रॉपर्टी हो गई, अलग अलग एंडोर्समेंट्स हो गई, डील्स हो गई, उनके पास जो गाड़ियां हैं वो, और उनकी करंट सैलरी से जितना उनके पास पैसा आ रहा है। तो बहुत सारे लोग सैलरी और नेटवर्थ के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जो मैं आपको अभी फिगर्स बता रहा हूं ये कोई सैलरी नहीं है, ये टोटल पैसा है कि इन लोगों के पास कितना है। और करंट स्टैट्स के अकॉर्डिंग गाइस मैंने 10 रिचेस्ट WWE सुपरस्टार्स की लिस्ट को प्रिपेयर करा है, और एक और डिस्क्लेमर कि इसके अंदर विंस मैन मैंने काउंट नहीं करा है, क्योंकि विंस मैकमैन की एक्चुअल नेटवर्थ है 1.7 बिलियन डॉलर्स, जो कि 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है, और मैं क्योंकि सिर्फ सुपरस्टार्स को काउंट करना चाहता था तो इस वजह से उनको मैंने लिस्ट में नहीं डाला। तो ये वीडियो काफी कमाल की रहने वाली है, और हमारा जो लाइक का गोल है वो है 1500 लाइक्स का, फटाफट से आप लोग जाके इस वीडियो को लाइक कर दें। तो गाइस नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं, और यहां पे नाम आता है मिक फोली का, जिनको मैं तो देख के बहुत शॉक हुआ था, क्योंकि इनकी नेटवर्थ है करंटली 18 मिलियन डॉलर्स, यानी कि 134 करोड़। अब बहुत समय तक मिक फोली रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर रहे हैं, बहुत समय तक चैंपियन भी रहे थे, और ऑब्वियसली उस समय पे उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया था। और जब वो रेसलिंग से रिटायर हुए तो उन्होंने कई नई चीजों को ट्राई करा, जैसे कि एक्टिंग, और उसके अंदर उन्होंने काफी सही पैसे भी कमाए। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज उन्होंने करी अपने करियर में रेसलिंग के अलावा, वो था एक ऑथर बनना, यानी कि बहुत सारी उन्होंने बुक्स लिखी, और इनमें से मल्टीपल बुक्स जो है एक समय पर बेस्ट सेलिंग बुक्स थी पूरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो उस चीज ने बहुत ज्यादा हेल्प करा मिक फोली को अपने पैसे कमाने के लिए, और इसी वजह से लिस्ट में नंबर 10 पर है। नंबर 9 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहां पे आते हैं ले शैंपियन या फिर द डेमो गॉड क्रिस जेरिको, जिनकी नेटवर्थ टाई होती है मिक फोली के साथ एट 18 मिलियन डॉलर्स, यानी कि 134 करोड़। अब मुझे नहीं लगता कि बहुत सुपरस्टार्स हैं जेरिको की तरह कि इतने समय पहले उन्होंने रेसलिंग बिजनेस के अंदर अपना डेब्यू करा था और आज भी वो अपनी पॉपुलैरिटी की इतनी बड़ी पीक पर हैं, और शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं जेरिको अभी भी थोड़े बहुत अंडररेटेड जरूर हैं, क्योंकि इतने समय पहले वो रेसलिंग में आए थे और आज भी इतने पॉपुलर हैं, कितनी कमाल की बात है। और इतने समय रेसलिंग में रहने से ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया है, अलग अलग जगह पे इसको इन्वेस्ट भी कराया गाइस। और जो रेसलिंग के अलावा चीज है जिसमें क्रिस जेरिको सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड थे, दैट वाज म्यूजिक, और आज वो चीज भी उनको एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बनाती है, क्योंकि वो अपने खुद के रॉक बैंड यानी कि फौजी के लीड सिंगर हैं, और 49 ईयर्स की एज में भी ऐसा लगता नहीं है कि क्रिस जेरिको का आगे करियर जो है वो रुक जाएगा कुछ देर बाद। ऐसा लगता है अभी आराम से 5-10 साल और जेरिको इस बिजनेस में कमाल कर सकते हैं। और रिसेंटली उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी खरीदी थी, एक बहुत बड़ी मैंशन खरीदी थी फ्लोरिडा में, तो वो चीज भी है उनकी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और वो भी उनकी नेटवर्थ का पार्ट बनती है। नंबर 8 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे नाम आता है द बिग शो का, जिनकी करंट नेटवर्थ है 20 मिलियन डॉलर्स, यानी कि 149 करोड़। अब बिग शो के लिए इतना आसान नहीं था अपना करियर बनाना है रेसलिंग के अंदर, लेकिन वो एक यूनिक सुपरस्टार था, एक जायंट था, और WCW में इतनी देर हार्डवर्क करने के बाद WWE ने उनको एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और इतने सालों तक WWE के साथ उन्होंने काम करा, तो ऑब्वियसली उनका बैंक बैलेंस बड़ा होना ही था। और रेसलिंग ऐसी इकलौती फील्ड नहीं थी जहां पे बिग शो को बहुत ज्यादा फेम मिल रही थी, इनफैक्ट उनके यूनिक साइज के वजह से उनको बहुत सारी ऑफ फील्ड अपॉर्चुनिटीज भी मिलती थी, यानी कि जो WWE से रिलेटेड नहीं है, और उस चीज ने काफी ज्यादा मदद करी है बिग शो की पैसे कमाने में। और गाइस ऑब्वियसली इतने समय से वो हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो उनको मूवीज भी बहुत सारी मिल चुकी हैं। रिसेंटली उनका खुद का नेटफ्लिक्स का शो आया था जिसका नाम है द बिग शो शो, और उसकी वजह से भी जो है उनको काफी अच्छे पैसे उसमें मिल रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा, ये सारे सुपरस्टार्स की मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं, अलग अलग जगह पे इन्होंने पैसे इन्वेस्ट करे हुए हैं, और इसी की वजह से इनकी इतनी नेटवर्थ बनती है। नंबर 7 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे नाम आता है द हल्कस्टर हल्क होगन का, जिनकी करंट नेटवर्थ है 25 मिलियन डॉलर्स, यानी कि 187 करोड़ रुपीज। और अगर आप मेरी मंडे नाइट वॉर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं या फिर इन जनरल आपने WCW देखी है, तो आप जानते हैं कि 90s और 80s के टाइम पे हल्क होगन दुनिया के सबसे फेमस रेसलर थे और प्रॉबेबली एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थे पूरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, और इस चीज ने डेफिनेटली उनकी बहुत ज्यादा मदद करी है। और एक कमाल का फैक्ट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि
कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हल्क होगन की नेटवर्थ एक समय $100 मिलियन से भी ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने उस पैसे को किसी ना किसी तरीके से गवा दिया और आज उनकी नेटवर्थ $25 मिलियन है। तो रेसलिंग का जो सबसे बड़ा स्टार था एक समय पे, वो एक इतना बड़ा स्टार रहा कि आज भी उसको अपीयरेंसेस कहीं पे मिलती हैं तो काफी पैसा भी उसे मिलता है उस चीज का, और बहुत सारी जगह पे इन्होंने इन्वेस्ट भी इस पैसे को करा हुआ है। तो डेफिनेटली आज भी टीज करते हैं कि मैं वापस आऊंगा एक और मैच के लिए, और अगर ऐसा होता है तो और कुछ तो नहीं बल्कि नेटवर्थ और ही ज्यादा बढ़ जाएगी। नंबर 6 की हम बात करते हैं तो नाम आता है कर्ट एंगल का, जो कि हल्क होगन के साथ अपनी नेटवर्थ टाई करते हैं $25 मिलियन यानी कि 187 करोड़ रुपीज। अब कर्ट एंगल एक ऐसा नाम था जो कि रेसलिंग बिजनेस में आने से पहले ही काफी पॉपुलर था, और उसका रीजन ये था कि ये अपनी कंट्री के लिए एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हुए थे, लेकिन इनका जो प्रो रेसलिंग में ट्रांजिशन था वो काफी स्मूथ था और ऐसा लग रहा था कि ये बंदा पता नहीं कितने सालों से एक प्रो रेसलर है और काफी कमाल के सुपरस्टार थे, और सिर्फ WWE नहीं बल्कि और प्रमोशंस जैसे कि TNA, इंपैक्ट रेसलिंग और न्यू जापान प्रो रेसलिंग के लिए भी ये लड़े हुए हैं। और ऑब्वियसली इनको WWE ने जबकि इस साल रिलीज कर दिया गाइस, कर्ट एंगल अपना खुद का एक बिजनेस रन करते हैं जिसका नाम है फिजिकल फिट न्यूट्रिशन, और अगर इन सारी चीजों से जो पैसा आता है उसको हम कंबाइन कर दे तो क्लियरली दिखता है कि कर्ट एंगल का काफी ज्यादा इन सबसे फायदा हुआ है। नंबर 5 की हम बात करते हैं तो नाम आता है यहाँ पे द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का, जिनकी करंट नेटवर्थ है $28 मिलियन यानी कि 209 करोड़। और जब भी ब्रॉक लेसनर का नाम आता है किसी के दिमाग में तो लगता है भाई इससे अमीर कोई सुपरस्टार हो नहीं सकता। करंट टाइम में अगर हमारी आप वीडियो देखेंगे तो उसमें भी आपको पता लगेगा कि ब्रॉक लेसनर ही जो है इस समय हाईएस्ट पेड WWE सुपरस्टार हैं, लेकिन ओवरऑल वो नंबर 1 रैंक नहीं करते हैं नेटवर्थ के अकॉर्डिंग गाइस। टॉप पेड सुपरस्टार जरूर हैं और इसके अलावा WWE उनको मानती है अपना नंबर 1 सुपरस्टार, जो कि सबसे ज्यादा ड्रॉ भी कर सकता है, और ब्रॉक लेसनर काफी सारी प्रॉपर्टी भी ओन करते हैं कनाडा के अंदर जो कि उनकी नेटवर्थ में भी ऐड करती है। तो हाईएस्ट पेड सुपरस्टार बट नॉट द हाईएस्ट बाय नेटवर्थ। नंबर 4 की हम बात करें तो यहां पे नाम आता है ट्रिपल एच का, जिनकी नेटवर्थ है गाइस $40 मिलियन यानी कि 299 करोड़। और ट्रिपल एच एक बहुत बड़ा पार्ट है WWE का, एक बहुत क्रूशियल पार्ट है क्योंकि ये ग्लोबल टैलेंट स्ट्रेटजी के प्रेसिडेंट हैं, सीनियर प्रोड्यूसर हैं NXT के अंदर, और एक पार्ट टाइम WWE सुपरस्टार भी हैं। और ओवर द इयर्स इनका कितना कमाल का करियर रहा है WWE के अंदर, 14 वर्ल्ड चैंपियनशिप से जीते हुए हैं और भी कई सारे टाइटल, और विंस मैकमैन के बाद इन्हीं को फ्रंट रनर माना जाता है टू बिकम द ओनर ऑफ WWE, और अगर ऐसा होता है तो इनकी नेटवर्थ और ऊंचे आसमानों में पहुंच जाएगी। और कुछ रिपोर्ट्स हमें यहां पे ये भी बताती हैं कि स्टेफनी मैकमैन की जो नेटवर्थ है वो टाई होती है ट्रिपल एच के साथ $40 मिलियन पे, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों सेम ही नंबर पे आते हैं इस लिस्ट में। नंबर 3 की हम बात करते हैं तो यहां पे नाम आता है द रैटल स्नेक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, एक और सरप्राइज, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि ये इतना ऊपर होंगे, और इनकी नेटवर्थ है $50 मिलियन यानी कि 374 करोड़। अब WWE की एटीट्यूड है, फिर से मैं कहूंगा अगर मेरी सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये बात पता है कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन कितना बड़ा इंसान था उस समय पे, कितना फेमस सुपरस्टार था, उसके अलावा पूरे रेसलिंग बिजनेस में लोगों को कुछ पसंद नहीं आ रहा था, और उनकी जो आइकॉनिक राइवलरी रही थी मिस्टर मैकमैन के साथ वो आज भी लोग देखते हैं तो उनको उतने ही गूज़बम्स आते हैं। तो बेसिकली 2003 के अंदर जबकि स्टोन कोल्ड को रिटायर होना पड़ गया था इंजरी की वजह से, इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी जगहों पर काम किया है जिसकी वजह से उन्होंने पैसे कमाए हैं, अलग अलग टीवी शोज का वो पार्ट रह चुके हैं, अलग अलग मूवीज में उन्होंने परफॉर्म करा है, और WWE की तरफ से भी उनको कई सारे ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट्स में डाला गया, यानी कि उनको रिंग में नहीं आना पड़ा लेकिन उनको पैसे WWE से उस चीज के लिए मिले थे। और जहां तक प्रॉपर्टी की बात है तो ये दो बड़े लैंड्स ओन करते हैं, एक है लास वेगस के अंदर और दूसरा है कैलिफोर्निया के अंदर, और ये सारी चीजें जो है इनकी 50 मिलियन नेटवर्थ को जस्टिफाई करती हैं। नंबर 2 की हम बात करते हैं तो यहां पे नाम आता है जॉन सीना का, जिनकी नेटवर्थ है $55 मिलियन यानी कि 412 करोड़ रुपीज। अब 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, श्योरली फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर भी है, और सी नेशन एक ऐसा ब्रांड है जॉन सीना का जिसने ओवर द इयर्स कितना पैसा कमाया भाई हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। और जबकि अब जॉन सीना एक पार्ट टाइमर बन चुके हैं गाइस, WWE इनको वापस बुलाती है कभी ना कभी क्योंकि फैंस उस चीज की डिमांड करते रहते हैं, लेकिन अगर हम दूसरे एंड की तरफ देखें तो जॉन सीना ने पिछले कुछ सालों में अपना करियर हॉलीवुड में एक बिल्कुल अमेजिंग तरीके से आगे बढ़ाया है। उन्होंने बड़े बड़े मूवी रोल लैंड करे हैं जैसे कि फास्ट एंड द फ्यूरियस 9 में, या फिर हम कह सकते हैं सुसाइड स्क्वाड 2 के अंदर। और अगर प्रॉपर्टीज की बात है तो सीना के पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज है सिर्फ US में नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाइना में भी है, और जो दो बड़े एस्टेट्स उनके पास हैं वो उनका खुद का घर है फ्लोरिडा के अंदर जो कि टैंपा में है, और एक और बड़ा घर है उनका कैलिफोर्निया के अंदर जो कि शायद आपने टोटल डिवाइस के एपिसोड में भी देखा होगा। और इसी के साथ गाइस हम बढ़ते हैं अपने नंबर 1 की तरफ, और यहां पे ऑब्वियसली आपको पता है क्या नाम आने वाला है, एंड ही इज ड्वेन द रॉक जॉनसन। सीना की नेटवर्थ थी 55 मिलियन और रॉक की नेटवर्थ है $320 मिलियन। ओ माय गॉड, जो कि आता है राउंड ऑफ होके अबाउट 2,400 करोड़ रुपीज। मतलब रॉक से फेमस WWE सुपरस्टार एंड ऑल्सो हॉलीवुड एक्टर का
जो कॉम्बिनेशन है शायद इससे बड़ा हमें कभी देखने को नहीं मिला था। और एक कमाल की बात मैं आपको बता दूं गाइस, तो दिसंबर 2009 में रॉक की नेटवर्थ थी $30 मिलियन और अब 2020 यानी कि 11 साल बाद ऑलमोस्ट 10 गुना से भी ज़्यादा उनकी नेटवर्थ हो चुकी है। तो क्लियरली पता लगता है कि कितना स्ट्रगल और कितनी मेहनत लगी यहाँ पे रॉक को पहुँचने के लिए, लेकिन नाउ इज डूइंग सच अमेजिंग थिंग्स। साल 2012 के अंदर उन्होंने अपनी एक्स वाइफ के साथ मिलकर एक कंपनी खोली थी जिसका नाम है 7 Bucks प्रोडक्शन, जो कि बहुत सारी मूवीज़ करती है जिसमें रॉक होते हैं या फिर नहीं भी होते हैं, अलग अलग टीवी शोज भी प्रोड्यूस करती है। और उसके बाद इनके कितने सारे एंडोर्समेंट्स हैं गाइस, एप्पल के साथ, फोर्ड के साथ, अंडर आर्मर के साथ, स्पेशली जहां पे इनकी ब्रांडेड क्लोथिंग और हेडफोन्स आते हैं जो कि ऑलमोस्ट हमेशा रहते हैं आउट ऑफ स्टॉक। और रिसेंटली इन्होंने अपनी खुद की टेकीला ब्रांड भी लॉन्च करी थी जिसका नाम है टेरामाना, और वो भी इतने ज्यादा सक्सेस में है कि ड्वेन द रॉक जॉनसन को किसी चीज की कोई भी दिक्कत नहीं है और ऐसा लगता है उनकी नेटवर्थ आने वाले सालों में और भी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो ऑब्वियसली द रॉक इज डूइंग सो गुड और देख के खुशी भी बहुत मिलती है। और ये थी गाइस टॉप 10 रिचेस्ट WWE सुपरस्टार्स इन हिस्ट्री या फिर करंटली अकॉर्डिंग टू देयर नेटवर्थ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।